तो क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस भी आपको अलग अलग जगह दिया है, पेपर वन में भी दिया है, पेपर टू में भी दिया है, उसको कैसे कंबाइन करना है। फिर हमें देखना है कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लाइमेटोलॉजी से खुद से अकेले और क्लाइमेटोलॉजी को दूसरे सेक्शंस के साथ मिला के हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने सिलेबस को जो है सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, ताकि क्लाइमेटोलॉजी के लिए हमारी अप्रोच जो है वो सही रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे हमें इस सेक्शन को बुक के थ्रू प्रिपेयर करना है। लेकिन उससे पहले वेलकम टू स्टडी IAS ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस और PYQ, अगर आपने सिलेबस और PYQs दोनों को कर लिया है, तो आप समझ लो कि आपका 50 to 60% काम जो है वो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका काम बचता है 40 to 50% काम बचता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ये भी सच है। उसके बाद आपको PYQ से आपको आइडिया मिल जाता है हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर सेक्शन और व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर यू शुड कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस को लेके। देखो, पेपर वन में क्लाइमेटोलॉजी के नाम से खुद से एक यूनिट दी गई है पूरी। वहीं पेपर टू में फिजिकल सेटिंग के नाम से, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी दोनों को मिला के पूछा गया है इंडियन परस्पेक्टिव में। तो जब हम वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो है यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी जो सेक्शन है, वहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर बेल्ट दी गई है, हीट बजट दिया गया है, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन दिया गया है, एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी दी गई है, प्लेनेटरी विंड्स लोकल विंड्स के बारे में बात की गई है, मानसून, एयर मासिस, साइक्लोन्स के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की गई है, वर्ल्ड क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर आप इसको देखोगे ये ओशनोग्राफी में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। उसके बाद एंड रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेटिक चेंज, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन क्लाइमेट की बात की गई है। और अगर पेपर टू की फिजिकल सेटिंग में देखते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। कैसे? मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून आपसे यहाँ पूछा गया है, जबकि मानसून वाला हम वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न वहाँ पे कर चुके हैं। तो ये आपको स्पेशली इंडियन परस्पेक्टिव से इसको प्रिपेयर करना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमारे क्लाइमेटिक रीजंस, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं या कि क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अलग-अलग अगर इसको पढ़ते हैं, तो हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है, हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। और ये कोई डेफिनेट नहीं है कि अगर आपको पेपर वन का टॉपिक है तो वो पेपर टू में नहीं पूछा जा सकता, या पेपर टू का पेपर वन में नहीं पूछा जा सकता। हमें इंटरलिंक करके चलना है। अभी सेक्शंस को इंटरलिंक करेंगे आपस में, यूनिट्स को। उसके बाद हम देखेंगे कि हम फिर क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी को, ओशनोग्राफी बायोजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंट जियोग्राफी, इन सबको कैसे कैसे इंटरलिंक करके चलेंगे, ये सब कुछ हमें देखना है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है PYQs में। उससे पहले हम 2022 का अगर मैं पेपर देखूं, तो देखो 2022 के ये पेपर वन है हमारा ज्योग्राफी का। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं कि सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर मासिस का पूछा गया है वेदर और विंड्स पे। और आप अगर देखोगे ना, तो ये PYQ से हूबहू क्वेश्चंस रिपीट हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, वो कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है। एक्चुअली इसमें क्लाइमेटोलॉजी का एक फैक्टर आएगा, बाकी दूसरे जो है, जैसे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ की फिजिकल जो सेटिंग्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ मिला के आपको पढ़ना है। फिर आपसे पूछा गया है कि जो टेम्परेचर में शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होती है, बेसिकली हीट बजट से रिलेटेड है ये, तो एनर्जी जो प्रोसेस हमारी एनर्जी की सर्फेस पे और एटमोसफेयर के बीच में होती है, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी से पूछे गए हैं। फिर क्लाइमेटोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के साथ मिला दिया गया, जैसे एनवायरनमेंट के साथ मिला के उससे पूछा गया कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं,
वो वहाँ के हैबिटेट की, वहाँ की कंडीशन से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो जब आपको वहाँ की, आप वहाँ के हैबिटेट के एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में पढ़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे देखोगे कि कैसा वहाँ पे टेम्परेचर है, क्या वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, कितनी ह्यूमिडिटी है, क्योंकि उसी के बेस पे क्या होती है, आपकी वेजिटेशन होती है। और जब वहाँ पे ये सारी कंडीशंस हमें पता होंगी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्लांट्स और एनिमल वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया रिलेशन ओशन करंट में, विंड सिस्टम में। विंड सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में आप पूरा स्टडी करते हो क्लाइमेटोलॉजी में, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, तो वो मैं PYQs में आपको शो करूंगी। अगर हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो पेपर 2 में देखो क्लाइमेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे साउथ वेस्ट मानसून की आपको अनप्रिडिक्टिबिलिटी, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, उनके फैक्टर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी दोनों को मिला के पूछ लिया गया है कि कैसे क्लाइमेट या फिजियोग्राफी हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी पूछे गए हैं, जो कि क्लाइमेटोलॉजी के बिना आपको कैसे भी अंदाजा नहीं लग सकता। जैसे क्लाइमेट चेंज से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और क्लाइमेट चेंज तो खुद एक क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सेक्शन है, लेकिन बेहतर है कि हम उसको एनवायरमेंट में कवर कर ले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस अप्रोच के साथ हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे PYQs की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देख लेती हूँ, जैसे हम सिलेबस देख चुके हैं, उसके बाद जब हम सिलेबस को डिवाइड करने जा रहे हैं सेक्शंस में, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट है, या हम कह लेते हैं कि एक सेक्शन है, जिसके सब सेक्शंस जो होते हैं अलग अलग सब सेक्शंस दिए हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है, यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी पार्ट दिया होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपकी बेस होते हैं, या प्रैक्टिकल अप्रोच उसके लिए हमें लेनी पड़ती है। हम इसमें डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस को उठा के देखेंगे, तो यहाँ पे हमें टॉपिक दिया है टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट दी है, फिर हीट बजट दिया है, फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी दी हुई है। लेकिन क्या है कि सबसे पहले देखो टेम्परेचर तो ऑब्वियस ही बात हमें पढ़ना है, लेकिन प्रेशर कहीं टॉपिक नहीं दिया हुआ है आपको कि आपको पढ़ना है। ह्यूमिडिटी आपको कहीं टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि आपको पढ़ना है, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करते हो, वो भी टेम्परेचर प्रेशर पे भी आपका डिपेंड होता है। जब स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की बात करते हो, तो वो भी आपका टेम्परेचर पे प्रेशर ह्यूमिडिटी पे आपका बेस होता है। मानसून की बात करते हो, तब भी हमारे पास हम यही तो बोलते हैं कि जब इंडियन कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर बन जाता है, तो ये सब कुछ बनता कैसे है, प्रेशर क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तब तक हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले बेस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो बेसिक कंसेप्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, टेम्परेचर प्रेशर और ह्यूमिडिटी। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, वो साइंस सेक्शन में बेसिकली चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जरूर देखेंगे कि टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होते हैं, फिर ये स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी में कैसे रोल प्ले करते हैं। जब टेम्परेचर और प्रेशर टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे प्रेशर बेल्ट, क्योंकि प्रेशर बेल्ट भी जो है वो आपकी नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट करती रहती है आपके समर के टाइम पे और विंटर के टाइम पे। तो वो कैसे होती है, क्योंकि जब हमारा जो इंसोलेशन होती है, वो जब आती है जिस एरिया पे सबसे ज्यादा अप्रोच करती है, उसी के हिसाब से ITC शिफ्ट करता रहता है। वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जब हमने प्रेशर बेल्ट कर ली है वर्ल्ड की, तब हमारे पास आ जाते हैं थियोरिटिकल टॉपिक्स, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो सर्कुलेशन आप तभी तो कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सी प्रेशर बेल्ट होती हैं। जैसे जब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल की, सब ट्रॉपिकल की, पोलर की, तो हमको पता है कि ट्रॉपिकल में ज्यादा एटमोस्फेयर से हमें इंसोलेशन मिलती है सन से, तो वहाँ पे ज़्यादा ही टेम्परेचर हो जाता है, तो लो प्रेशर बन जाता है, फिर वहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं। वहीं सब ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे हवाएं जो होती है वो डिसेंड करती हैं,
तो ये सब कुछ है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि पोलर में टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो आपको हमें ये देखना है कि यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस से कौन सा किस जगह पे लो प्रेशर हाई प्रेशर हो रहा है, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है सिस्टम को। तो उसके बाद हमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जब हम करेंगे, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ एयर का कैसे होता है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास तीन लेवल पे हमें चीजें देखनी है। पहला लेवल है हमारा वर्ल्ड लेवल, सेकेंडरी हमारा है रीजनल लेवल, और थर्ड हम देखेंगे लोकल लेवल पे। तो देखो, जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। ये मैंने लिखा हुआ शायद, हाँ, जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे कि प्लेनेटरी विंड्स, क्योंकि जिसको कि हम हिंदी में भूमंडलीय पवन भी कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स जो होती हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब होती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं, वही है हमारा जेट स्ट्रीम। उसके बाद जब रीजनल लेवल की बात करेंगे तो साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और मानसून, इन टॉपिक्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि क्या टॉपिक, क्या ऐसी टॉपिक्स है जो वर्ल्ड लेवल पे अफेक्ट करते हैं, क्या ऐसे हैं जो रीजनल लेवल पे अफेक्ट करते हैं। लाइक देखो, साइक्लोन जब आता है तो साइक्लोन हर जगह तो नहीं आता है एक बार, किसी पर्टिकुलर रीजन में साइक्लोन आता है। अटलांटिक ओशियन में आ सकता है, इंडियन ओशन में आएगा। इंडियन ओशन में आएगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज होंगी उनको अफेक्ट करेगा। साउथ चाइना सी में आएगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा? साउथ चाइना मतलब वहाँ चाइना से वियतनाम, फिलीपींस, इन सब को कंट्रीज को वो अफेक्ट करेगा। तो जिस जिस रीजन में साइक्लोन आते हैं उसी रीजन में जो है वहां पे वो अफेक्ट डालते हैं। दैट्स वाई हम इसको ग्लोबल या रीजनल लेवल पे स्टडी करते हैं। लाइक जब हम मानसून की करते हैं तो बेसिकली ये इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ज्यादातर स्यूडो मानसून कहीं कहीं आती है, बट बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो देखो, इसका अफेक्ट कहीं और, कहाँ और तो कहीं नहीं पड़ रहा। हाँ, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। लोकल लेवल पे देखें तो लोकल विंड्स की हम बात करेंगे, जैसे लू की हम बात कर लेंगे। वो कहाँ पे आती है? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अफेक्ट करती है या इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन को अफेक्ट करती है? तो वो लोकली अफेक्ट कर रही है, हमें उसको देखना है। और इंडिया में भी सब जगह वो अफेक्ट नहीं करती, खासकर जब हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तब हम ज्यादा अफेक्ट मानते हैं कि वहां पे ज्यादा अफेक्ट डालती है। उसके बाद जब हमने ये सब कुछ देख लिया तब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन आ जाता है। कैसे? देखो, बारिश को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अगर साइक्लोनिक कंडीशन होगी तो बारिश होगी, एंटी साइक्लोन होगी तो बारिश नहीं होगी। मानसून है तो दो तरीके की विंड चलती है, वेदर इट इज फ्रॉम सी टू लैंड और लैंड टू सी, तो दो तरीके की विंड चलती है। तो यहाँ पे बारिश, कहीं पे ज्यादा बारिश होगी, कहीं पे बारिश कम होगी। उसके बाद कई बार लोकल विंड्स भी आपके टेम्परेचर को अफेक्ट करके बारिश का कारण बन सकती हैं। प्लेनेटरी विंड और जेट स्ट्रीम तो होती ही होती है। जब जेट स्ट्रीम जाती है ऊपर तभी लो प्रेशर बनता है और तभी जो है प्रेसिपिटेशन के लिए आपकी कंडीशंस फेवरेबल होती है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, प्रेसिपिटेशन में भी दो चीजें देखेंगे, कैसे रेनफॉल होता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हम बात करेंगे। बेसिकली ना, ये आपको ओशनोग्राफी में भी पढ़ना होगा, लेकिन जब आप बात करोगे ओशनोग्राफी की तो वहां करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको क्लाइमेटोलॉजी में कवर कर चुके होंगे। उसके बाद हम देखेंगे एयर मासिस, ये सब कुछ देखने के बाद, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एयर मास में हम क्या देखेंगे कि वर्ल्ड पे कौन कौन से हैं। और वैसे ये चीजें पूछी नहीं गई हैं यूपीएससी में कि पर्टिकुलर आपसे कॉन्टिनेंट में पूछ ले, बट जिस तरीके के अभी हाल फिलहाल नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत नजर डाल लेनी चाहिए कि कैसे एयर मासेस होते हैं। मान लो यूरोप की साइड हम देख लेंगे, अमेरिका की साइड देख लेंगे, इधर साइड अपने इंडिया साइड हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, क्योंकि ये टॉपिक जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक ये सारे टॉपिक नहीं आप कर लोगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अगर आप पहले पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट जो अंडरस्टैंडिंग इन सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद आएगी वो पहले नहीं आएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि प्रैक्टिकल अप्रोच कर ली, अब हम रीजनल स्टडीज करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बात करेंगे क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में। क्लाइमेटिक रीजंस में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बेसिकली जब आप क्लाइमेटिक रीजंस की बात करते हो, कोपन की, थोन वेल, त्रिवार्था, तो आप इसको देखोगे कि जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तब भी आपको करना पड़ेगा, जब आप सोयल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपको करना पड़ेगा, जब आप एग्रीकल्चर वाला करोगे तब भी आपको करना पड़ेगा।
और जब हम बुक को उठाते हैं तो उसमें आपको सारे चीजें एक जगह दी होती हैं, जो कि करना आई थिंक उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जब तक हमें वैसे कंडीशंस नहीं पता होंगी तब तक हम आगे गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम सिर्फ तीन चीजें देखेंगे, वहां का टेम्परेचर, वहां की ह्यूमिडिटी और वहां की प्रेसिपिटेशन बोलो, रेनफॉल बोलो, तो ये सारी चीजें देखेंगे जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर देखेंगे तब हम वहां पे देख लेंगे किस टाइप की क्रॉप्स होती है या फिर वहां पे कौन सी सॉइल होती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी, रेनफॉल कितनी होगी, उससे उसके हिसाब से हम आइडिया लगा लेंगे कि वहां पे कैसी कैसी जो है एग्रीकल्चर होनी चाहिए, कैसे सॉइल मिलनी चाहिए। सेक्शन नंबर 5 आता है आपका अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, कि क्लाइमेटोलॉजी का रिलेशन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ, इकोनॉमी के साथ, सोशल इश्यूज के साथ, ह्यूमन कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है ह्यूमन पे। और ये सेक्शन हम अलग से नहीं देखेंगे, इस सेक्शन में हम कुछ तो देखेंगे कि जब हम टॉपिक्स करते चले जाएंगे, जैसे हीट बजट जब हम करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं हीट बजट में एनोमली होती है बिकॉज, क्योंकि ह्यूमन एक्शंस की वजह से, एंथ्रोपो रीजंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो होती है हमारी अर्थ जो है वो ज्यादा गर्म रहना शुरू हो गई है ना, जिसकी वजह से जो हीट बैलेंस होता है वो हीट बैलेंस नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कुछ तो हम साथ के साथ देख लेंगे और कुछ को हम तब कर पाएंगे जब हम एनवायरमेंट वाला सेक्शन कर लेंगे, इधर से इकोनॉमी वाला सेक्शन कर लेंगे, सोशल वाला सेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इन सारे सेक्शंस को मिला के हमें करना है और यही हमने क्वेश्चंस देखे हैं कि अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब आपको दोनों को साथ मिला के पढ़ना पड़ता है, जब आपको क्लाइमेट एनवायरनमेंट को साथ करना पड़ रहा है, ओशियन क्लाइमेटोलॉजी को साथ में साथ करना पड़ रहा है ना, तो ये चीजें जो हैं आपको देखनी है। अब हमने सिलेबस देख लिया कि हम सिलेबस को कैसे करने वाले हैं, उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे अब की पी वाई क्यूज कैसे पूछे गए हैं। क्या मैं जो बोल रही हूँ कि पी वाई क्यूज रिपीट होते हैं, क्या वो बेसिकली वाकई में रिपीट होते हैं? तो देखो, ये मेरे को सिनोप्सिस आईएएस की एक पीडीएफ मिल गई थी तो मेरे को ठीक लगा कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक एक क्वेश्चन को उठा के देखने की, आप नेट से कोई दूसरी भी उठा सकते हो, तो मेरे को ये सही लगी, आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, ओरिजिन कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर ये पहले था, अब नहीं है, अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक टाइम के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसको ज्यादा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा एटमोस्फेयर किस चीज को कंपोज कर रहा है, ओरिजिन कैसे हुआ है, तब हमारे लिए वो चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब टॉपिक है आपका टेम्परेचर। देखो, प्रेशर बेल्ट से, हीट बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ, जबकि अब की बार अगर हम 2022 वाला क्वेश्चन देखें तो 2022 में आपसे हीट बजट को लेके क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, यहाँ पे पूछा गया कि शॉर्ट टर्म वेरिएशन जो टेम्परेचर में होती है वो रिलेट करती है आपकी एनर्जी से। अब इसको आप टेम्परेचर में भी लगा सकते हो या इसको हीट बजट में भी लगा सकते हो, क्योंकि इसी में तो बोलते हैं कि आपके पास जो इंसुलेशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन आते हैं, उससे कैसे मेंटेन होता है, अब वो चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि, और यहाँ कि आपको मैकेनिज्म बताना है कि कैसे आप वो हीट बजट को हम मेंटेन करते हैं, वो होल्डर होती जा रही है। अब यही तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल दिया है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपसे पूछा है, फिर वही 95 में पूछा है, फिर 2010 में उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, फिर से इंसोलेशन और टेम्परेचर, उसकी एनोमलीस टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम ये टॉपिक कर चुके होते, ये कर लिया होता, तो 2016 वाला क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते। एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन में आपसे पूछ लिया, ट्राई सेलुलर मॉडल के बारे में पूछा है, उसके बाद मेरिडोनियल सर्कुलेशन पूछा है, जो मेरिडोनियल सर्कुलेशन है वो बेसिकली ट्राई सेलुलर मॉडल ही होता है आपका, फिर से ट्राई सेलुलर मॉडल के बारे में पूछ लिया, तो क्या क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट आपकी मतलब वही की वही लाइन रिपीट ना हो, वही क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट एसेंस तो रिपीट हो रहा है ना। तो प्लेनेटरी विंड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखो आपसे पूछा गया कि कौन से फोर्सेस हैं जो कि गवर्न करते हैं एयर मूवमेंट को,
अब की बार आपसे पूछ लिया कि जो एयर मूवमेंट होती है वो कैसे अफेक्ट कर रही है ना। उसके बाद देखो लोकल विंड से आपसे पूछ लिया कि वो कैसे वहाँ के वेदर को इन्फ्लुएंस कर रही है। लाइक अगर हम अपना एग्जांपल देते हैं लू का, वेस्टर्न इंडिया की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखो आप पूछ लिया, आपसे फिर से पूछ लिया कि लोकल विंड्स का क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 2007 में पूछा, 13 में पूछ लिया। आप यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर मिस्टर सिरेको के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में पूछ लिया। तो अगर हमने ये कर लिए होते, हम एग्जाम्पल देखते, उनकी कंडीशन हमने देखी होती, तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कई क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, कई क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट ना होके लेकिन उनका एसेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर हम सिलेबस और पीवाई की इस क्वेश्चन से कर लेते हैं तो 50 to 60% का प्रिपरेशन हमारी वैसे ही हो जाती है ना। अब हमें बात करनी है कि हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे अपने क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन को अप्रोच करेंगे। उसके बाद क्या है कि अब मैं क्या करूंगी कि जो आने वाली वीडियोस हैं वो वीडियोस में पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊंगी, लाइक टेम्परेचर पे, कि हम देखेंगे कि टेम्परेचर में हमें क्या चीज़ पढ़नी है, उसके बाद हमें वो कहाँ से पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्योंकि जब हम बुक्स को उठाते हैं ना तो उसमें चैप्टर्स आगे पीछे दिए होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो किस सीक्वेंस में पढ़ना है। जब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है, तो मुझे लगा आई शुड शेयर दिस विद यू गाइज, है ना। तो उसके बाद अगर हम फिर हम देखेंगे कि पी वाई क्यूज कैसे पूछे गए हैं, कौन से डायमेंशंस को हमें कवर करना है, और बेसिकली मैं आपको थोड़े थोड़े सिनोप्सिस बनवाती चलूंगी टॉपिक्स के साथ साथ। ऑब्वियसली बात है पूरा टॉपिक्स मतलब नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी कि इस टॉपिक में आखिर क्या है और आपको क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम बातें नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।